हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एपके इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या लेसन 51, जहां पर हम देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव क्या होता है और कैसे इसमें सेंटेंस एक दूसरे में बदले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, माइंड कीजिएगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो एक्टिव सेंटेंस है, इसको हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में पहले ही पढ़ के रखा हुआ है, जहां पर इसकी पहचान क्या थी, रहा है, रही है और रहे हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एस एम आर का यूज किया था और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी मेन वर्ब की आई एन जी फॉर्म रखी थी और लास्ट में हम लोगों ने क्या ऐड किया था, ऑब्जेक्ट को ऐड किया था। और फ्रेंड्स, आज की बात करें तो हम पढ़ने जाने क्या प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव सेंटेंस, जहां पर इसकी पहचान क्या हो जाएगी, जा रहा है, जा रही है और जा रहे हैं। माइंड आपको ये करना है कि जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, ये वर्ब के बाद में लिख के आएगा, तभी सेंटेंस हमारा कहाँ का होगा, पैसिव का। जैसे एक सेंटेंस सुनिएगा, मुझे उसके द्वारा बदनाम किया जा रहा है, पापा के द्वारा भोजन बनाया जा रहा है, मम्मी के द्वारा गाना गाया जा रहा है। तो गाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, तो माइंड किया आपने, वर्ब के बाद जब जा रहा है लेके आएगा तो सेंटेंस हमारा कहाँ का होगा, पैसिव का होगा। अब यहां पर माइंड कीजिए, स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या रखना होगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें एज एम आर प्लस बीइंग को ऐड करना होगा, यानी यहाँ की हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या हो जाएगी, इज बीइंग, एम बीइंग या फिर आर बीइंग। और आपको पता ही है कि अगर सेंटेंस पैसिव का है तो हमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी होगी, थर्ड फॉर्म। लास्ट में बाय और सब्जेक्ट को ऐड कीजिए, बस स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया। अब फ्रेंड्स, माइंड कीजिएगा, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर का ये पार्ट बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला, सारे स्ट्रक्चर में ये बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है। यानी कहने का मतलब ये था कि अगर अब इसको हम निगेटिव बनाने जा रहे हैं तो हमें यहाँ पर इज एम आर के ठीक बाद क्या लगाना होगा, नॉट। और सेंटेंस अगर हमारा इंट्रोगेटिव हो जाए यानी उसकी शुरुआत क्या से हो जाए तो हमें क्या करना होगा, इज एम आर को ऑब्जेक्ट के पहले रखना होगा। अभी सारे फॉर्मेट आप लोग प्रीवियस लेसन में पहले ही देख चुके हैं, जिसकी वजह से मैंने इसको नहीं लिखा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्रीवियस लेसन में जाकर उन सारे फॉर्मेट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेकर इसको आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल देखिएगा, अगर मैंने आपसे कहा कि पापा मुझे डांट रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हो कि ये सेंटेंस हमारा कहां का हो गया, एक्टिव है कि पैसिव है। ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, एक्टिव का हो गया। अब अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव है तो इसको हमें एक्टिव से बनाना होगा, तो सबसे पहले हमें क्या रखना होगा, सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर कौन है, पापा। तो आप यहाँ पर पापा को ऐड कर दीजिए। माइंड कीजिएगा, आप पापा की जगह डैड या फादर भी लिख सकते हैं, पापा भी इंग्लिश वर्ड है, आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं पापा। और पापा के साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या लगाई जाएगी, इज। फिर हमें यहाँ पर रखनी है क्या, वर्ब की आई एन जी फॉर्म, जो कि क्या थी, स्कॉल्ड। और स्कॉल्ड को आई एन जी के साथ जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, स्कॉल्डिंग। और लास्ट में हमें यहाँ पर क्या ऐड कर देना है, मी। तो फ्रेंड्स, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, पापा इज स्कॉल्डिंग मी, पापा मुझे डांट रहे हैं। अब अगर इसे मुझे पैसिव करना होता तो मैं कैसे करता, उसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगर इस सेंटेंस को पैसिव करने की बात है तो इसको ऐसा ही बोला जाएगा ना कि पापा के द्वारा मुझे डांटा जा रहा है। आप इसको पूरा का पूरा हिंदी का स्टेटमेंट लिख लीजिए, पापा के द्वारा मुझे डांटा जा रहा है। तो ये सेंटेंस एक्टिव था और इसको पैसिव मैंने इस प्रकार से लिख लिया। अब अगर ये सेंटेंस हमारा पैसिव का हो गया है तो इसको पैसिव से बनाइए, तो सबसे पहले हमें क्या रखना होगा, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर कौन है, मुझे। बट पहले बात करते हैं यहाँ पर मुझे ये ऑब्जेक्ट क्यों है। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेसन में मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या होता है कि आप सबसे पहले वर्ब को ढूंढिए, उसके साथ किसे, किसको, किसकी या क्या का क्वेश्चन कीजिए। तो यहाँ पर हमारी जो वर्ब थी वो क्या थी, डांटना। मैंने क्वेश्चन किया किसे डांटा जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, मुझे। अब ये मुझे हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या रखा यहाँ पर, आई। और आई के साथ क्या लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पर, एम। तो एम को भी ऐड कर दीजिए। फिर रखना होगा हमें क्या, बींग। तो बींग को भी यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है और वर्ब क्या थी यहाँ पर, डांटना। तो क्या लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर, स्कॉल्डेड। अब सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम बीइंग स्कॉल्डेड। पापा के द्वारा की अंग्रेजी बनाने के लिए यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, बाय पापा। बस बन गया हमारा पूरा सेंटेंस कि आई एम बीइंग स्कॉल्डेड बाय पापा, मुझे पापा के द्वारा डांटा जा रहा है।
और फ्रेंड्स अगर इस एम को मैं पहले लिख दूं और मैं आपसे बोलूं कि एम आई बीइंग स्कॉल्डेड बाय पापा, तो क्या आप इसकी हिंदी बता सकते हैं? क्या होगी इसकी हिंदी? क्या पापा के द्वारा मुझे डांटा जा रहा है? क्यों? क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब को क्या किया है, ऑब्जेक्ट के पहले ऐड कर दिया, जिसकी वजह से इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? क्या पापा के द्वारा मुझे डांटा जा रहा है? अब फ्रेंड्स बात करते हैं क्या कि अगर सेंटेंस ऐसा होता कि क्या पापा के द्वारा मुझे डांटा जा रहा है, तो इसको एक्टिव कैसे करते? अब इसको एक्टिव करना है तो यहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही जोड़ना है कि क्या पापा मुझे डांट रहे हैं। कहने का मतलब ये था कि अगर हमारा एक्टिव सिंपल है तो उसका पैसिव भी सिंपल बनेगा, और अगर ये एक्टिव पैसिव इंट्रोगेटिव हो जाए तो चेंज तो होंगे लेकिन वो इंट्रोगेटिव में ही होंगे, और अगर डब्ल्यूएच वर्ड यूज किया गया है तो एक्टिव पैसिव भी डब्ल्यूएच वर्ड में ही चेंज होने वाले हैं। तो इस सेंटेंस को अगर मुझे बनाना होता तो मुझे क्या करना पड़ता? इस इसको पहले लिखना होता और सेंटेंस क्या बन जाता? इस पापा इज कॉलिंग मी, क्या पापा मुझे डांट रहे हैं। अब फ्रेंड्स एक एग्जांपल और लेते हैं। सोचिए कि अगर मैं इस एम के पहले वाई को भी जोड़ दूं और मैं आपसे बोलूं कि वाई एम आई बीइंग स्कॉल्डेड बाय पापा, तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? पापा के द्वारा मुझे क्यों डांटा जा रहा है? और इसका अगर हम एक्टिव करेंगे तो क्या हो जाएगा कि पापा मुझे क्यों डांट रहे हैं? अभी भी आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है कि आपको इसके पहले क्या जोड़ देना है, वाई को जोड़ देना है, और सेंटेंस क्या बनेगा? वाई इज पापा इज कॉलिंग मी, पापा मुझे क्यों डांट रहे हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि आप प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो आपको एक एक्टिव का सेंटेंस लेना है, उसको पैसिव कर देना है, और पैसिव का सेंटेंस लेकर उसको एक्टिव कर लेना है। पहले इस तरह हिंदी बनाकर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर इंग्लिश बोलकर उसी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे यू आर डिफेमिंग मी, आप मुझे बदनाम कर रहे हो। आई एम बींग डिफेम्ड बाय यू, मुझे आपके द्वारा बदनाम किया जा रहा है। क्रिकेट इज बींग प्लेड बाय देम, क्रिकेट उनके द्वारा खेला जा रहा है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। मम्मी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, मम्मी गाना गा रही हैं। अ सॉन्ग इज बींग संग बाय मम्मी, मम्मी के द्वारा गाना गाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।